उठो मेरी दुनिया के किसानों को जगा दो, इस गंदी सरकार के दरो दीवार हिला दो। तुसी सोचो थोड़ा जा भी बाकी स्टेट दे विच भी लागू होए सी, लेकिन ओ चुप करके अपने जुल्म सहंदे रहे। ए पंजाब दी तारीख है भी जदों इहदे ते जुल्म हुंदा है ते इहदा बच्चा बच्चा उठ खड़दा है। इक तां गंदियां पार्टियां हुंदियां ने, झूठियां पार्टियां हुंदियां ने, ए बहुत झूठी पार्टी है, इस करके शायद इहदा नाम भी इस तरह ही होगा भी बहुत झूठी पार्टी है। ओ राजा जिहड़ा इक तिहाई वर्ल्ड ते राज करदा सी और जदों मरिया 14 टाकियां जिस्म ते कपड़े ते लगी हुई सी, इक ए राज है, आ देख लो राज की हो रहा है। 1000 वर्कर काम करदा है दी कोठी दे विच, 15 एकड़ दे विच कोठी है और एम्स दे बेस्ट डॉक्टर इहदे कोले बैठदे ने। इह कोई स्पेशल बंदा है? जिस हकूमत से इंसान को इंसाफ की तवक्का ना हो, उस पार्टी के हर लीडर को भगा दो, भगा दो, भगा दो। जदों भी जुल्म दी आवाज पंजाब च बड़ी है तां इहना ने बहीरां कत लिया। तुसी सोचो थोड़ा जा भी बाकी स्टेट दे विच भी लागू होए सी, लेकिन ओह चुप करके अपने जुल्म सहंदे रहे। ये पंजाब दी तारीख है भी जदों इहदे ते जुल्म हुंदा है ते इहदा बच्चा बच्चा उठ खड़दा है जुल्म दे खिलाफ, और इस चीज दी जिंदा आवाज है। मेरे सामने मेरे वीर बैठे हन, मैं बधाई दिंदा इस बात दी। थोड़ा आजम, थोड़ा हौसला थोनू जित वाल लेके जा रहा है। एक छोटी जी मेरे गल याद आई, एक बहुत ही बुजुर्ग, हड्डियां निकलियां भी उहदे, अपनी आखिरी उम्र दे विच पहाड़ कट रहा है, क्योंकि उहदा घर ते उहदे खेत दे दरम्यान च एक पहाड़ आ रहा सीगा। तो पहाड़ ने एक साध नू कहा, कहिंदा भी इहनू रोक, मैनू कटदा है। तो साध ने कहा, कहिंदा तू किड्डा बड़ा पहाड़ है, ये बजुर्ग किन्नी क देर होगा? वह कहिंदा ये बजुर्ग दी मेरे कट्टन ते कोई फर्क नहीं पैंदा। कहिंदा जदों शाम नू इह उठदा है, ये कहिंदा है, कहिंदा भी बस मैं हुणे कट के ही सांह लूंगा, कहिंदा मेरा दिल हिल जांदा। थोड़ियां ये जदों कहने भी ये 3 बिल वापस होने ने, तां सरकार दा शोर यकीन नाल कहिंदा मैं दिल हिलदा, और इस करके वह पखंड रचाउंदी है, अलग अलग हरबे इस्तेमाल करदी है, कदे सड़कां ते बैरियर लगाउंदी है, कदे खंदक पटाउंदी है, कदे पुलिस वाले खड़ा के चेक कराउंदी आर सी वगैरह। ये सारे पखंड उहदे फेल हो चुके। बस मैनूं हुण इक डर है कि साडे जिहड़े लीडर साहिबान ने इहनां च रब इतफाक रखे, क्योंकि वह छात्र सरकार है, बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच वाली सरकार है। एक तां गंदियां पार्टियां हुंदियां ने, झूठियां पार्टियां हुंदियां ने, ये बहुत झूठी पार्टी है, इस करके शायद इहदा नाम भी इस तरह ही होगा भी बहुत झूठी पार्टी है। तो मैं लीडरां नूं भी इस बात की बधाई दिंदा, जिस तरह का नज़्म ज़ब्त दे नाल हुणे चल रहा है, जदों मैं अपनी रिसर्च करदा सीगा तां इस खुशी की गल तो यह है कि किसान मोर्चा मैनेजमेंट ते एक बंदे ने टॉपिक लिया भी मैं इस ते रिसर्च करूंगा, भी एडा बड़ा ये जो काम चल रहा है, एडा बड़ा इकट्ठ है, ये कैसा अनुशासन दे विच और कैसा पूर्ण तरीके नाल ये चल रहा है, और इस बात का उन्हें एक विशा लिया है, और उते रिसर्च होगी, उते दे किताब छपूगी। तो मैं इस गल नू लेके ये आया, मैं अपने वीरां नाल मैं सांझा करा। देखो एक पासे मेरे वीर भैने छोटे बच्चे सर्दी दे विच ठठरदे सी, और एक पासे वह बंदा, मैं खैर इह जे बोलता नहीं बोलता, जिहदी 15 एकड़ दे विच उहने हुण अपनी कोठी बनाई है। आम MP दी कोठी 2.5 एकड़ च हुंदी है, 15 एकड़ दी, भी तेरे कोले की इह जिहा जी? और 1000 बंदा उहदा नौकर, माली, बबरची, डॉक्टर, 1000 बंदा उहदी कोठी च कम करदा है, हद हो गई। आम जिवें बंदे हुंदे ने उस तरह दा तूं है, वोटां साडियां ऐश तूं करदा, इह की हिसाब है? एक हकूमत ऐसी सी, मैं तारीख पढ़ी है इस्लाम दी, एक हकूमत ऐसी थी पूरी दुनिया दे तीसरे हिस्से थे राज सी ओ बंदे दा, और ओदा ओदे बारे सुनो तुसी। मैं जब मुकाबला करना तो मैं हैरान हुंदा भी ये बंदे ने कदे सोच समझ के काम ही नहीं कीता कदे। ओ ए सीगा, ओदी एक बीवी कहंदी, कहंदी भी जी तुसी भी थोड़ा जिहा पैसे बधा लो, भी आपां तो हुण पूरी तरह खाया भी नहीं जांदा, रोटी नहीं पकदी घर च, मिठा नहीं बनाया जांदा मेरे कोलों,
ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਓਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਆਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਰਿਆਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਆਲ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਰਲਡ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ 14 ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1000 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਮਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਠੋ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉਠੋ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਤਵੱਕਾ ਨਾ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਕੋ ਭਗਾ ਦਿਓ, ਭਗਾ ਦਿਓ, ਭਗਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।